हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई नो गाइस, मैंने बहुत लेट वीडियो अपलोड किया है। अब कौन से इशू के कारण मैं इतनी लेट हो गई, इसकी एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट करने की बजाय चलो स्टोरी पर आते हैं। और जैसा कि हमने सुना था, विभूषण को वांग लिंचाओ की सच्चाई पता चलती है और इसी के साथ वो जख्मी भी हो जाता है। सीसी ने उसे रेस्क्यू कर लिया था और वो लांगवान जी को बता देती है विभूषण जख्मी हालत में बैक माउंटेन में मिला था। लैंसन ये जानने के बाद अपने गार्ड से कहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिंचाओ को देखते हैं जो इतना बड़ा कांड करने के बाद बेचारी डरी समी बैठी हुई थी। उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अब विंग की बात करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा था और वो वांग लिंचाओ को एक लेसन सिखाने के बारे में सोच रहा था। वो वांग लिंचाओ की असलियत ऐसे ही सामने नहीं ला सकता था, वरना उसे ही गलत ठहराया जाएगा, क्योंकि वो अभी कुछ भी साबित नहीं कर सकता। और वो उस पर उंगली उठाएगा कैसे, जबकि सबने देखा है लैंसन ने वांग लिंचाओ के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो वो कैसे वांग लिंचाओ पर उंगली उठाए। मगर वो शांति से बैठ भी नहीं सकता है और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है, एक तीर से दो निशाने। वो वांग लिंचाओ को लैंसन भी सिखा देगा और उसकी यहाँ क्या वैल्यू है वो सबको पता चल जाएगा। इसके लिए वो लैंसन को एक ऑफिसर लेटर लिखता है। अब हम लैंसन को देखते हैं, जब उसे ऑफिसर लेटर मिलता है तो वो बेचारा शॉक हो जाता है। और विंग के लेटर को पढ़ने के बाद लैंसन से यही कहता है ये किस तरह की बेहद सी रिक्वेस्ट है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे, उसने तो विंग के लेटर को पूरा बॉल बना दिया था। वो उन सामानों की जब देखता है जिसे विंग ने भेजा था, एक तो उसका अथॉरिटी टोकन था, दूसरा क्वीन को रिप्रेजेंट करने वाला हेयर पिन। विंग ने उन दोनों को लैंसन को सबमिट कर दिया था। इसका मतलब ये है विंग अपनी पोजीशन क्विक कर रहा है और ये बात हवा की तेजी के साथ सबको पता चल जाती है। विभूषण अपनी पोजीशन छोड़ चुके हैं और वो तो हीलिंग के लिए निकलने वाले हैं। वो इस जगह को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं और ये सारी बातें वांग लिंचाओ को भी पता चल जाती है। तो वो सोच में पड़ जाती है आखिर विभूषण ठीक है तो उसने उसके बारे में किसी को बताया क्यों नहीं। उसे तो मैंने मारने की कोशिश की थी, क्या होगा उन्होंने किंग को इस बारे में बताया तो। वो कभी भी किंग को इस बारे में बता सकते हैं, फिर मेरा क्या होगा। वो यही सोचकर परेशान थी। इतने में उसके ऊपर मुसीबत चढ़कर उसके पास चली आती है। उसे सभा में बुलाया जाता है, बेचारी डरती हुई सभा में पहुंच जाती है। वो तो घबराई हुई थी, क्या किंग को उसने जो किया उस बारे में पता चल गया, क्या उसे पनिश किया जाएगा। वो तो उस दिन के बाद से इसी डर के साथ थी, उसके दिमाग में बस यही था उसे पनिश किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता, उसे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उसे कहा जाता है उसे टेम्पररी तौर पर काम करना होगा, अगर वो अच्छे से नहीं कर पाती तो किसी और को हायर करना पड़ेगा। लैंसन तो उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहता, मगर विंग की यही रिक्वेस्ट थी उसका काम वांग लिंचाओ को सौंपा जाए। लैंसन चाह कर भी उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सका और उसने वांग लिंचाओ को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और किसी भी मंत्री में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसे आगे चलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी थी, तो वो अभी क्यों नहीं उठा सकती, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके हिसाब से ये तो अच्छी बात थी, सभी के ऐसे ही विचार थे। दूसरी तरफ विभूषण को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं उसके पास सिया आती है और उसे बताती है किंग उनसे मिलने आ रहे हैं। इतना सुनते ही विंग जो अपनी बनी फ्रेंड के साथ खेल रहा था वो उन्हें छोड़कर अपना बिस्तर पकड़ लेता है। लैंसन उसे देखने आता है और उसे सोता हुआ देखकर कहता है क्या तुम सो रहे हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वो धीरे से उसकी चीक पर पोक करता है। विंग कहता है सोते हुए को इस तरह से पसंद नहीं करते हैं वांग जी। वांग जी कहता है अब उठ भी जाओ, मुझे पता है आप नहीं सो रहे हो। विंग लेटे हुए कहता है अगर तुम इस खटिये सी जगह पर करने के आए हो। उसकी ऐसी टोन को सुनकर लैंसन अपनी आंख रोल करता है और फिर कहता है अब बस मुझे इतना बताओ अब क्यों चाहते थे उस वांग लिंचाओ को, अब की मैं सारी जिम्मेदारी दे दूँ, आखिर आपकी किस तरह की रातें हैं। ये सुनकर विंग अपने फेस में स्माइल लिए उसे कहता है तो तुमने उसे सच में मेरी सारी जिम्मेदारी दे दी, तुम वाकई में मेरे लिए ओबीडेंट हो। लैंसन की भावें तन जाती है और वो कहता है अब बस मेरी क्वेश्चन के आंसर दो ना। इस पर विंग कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो, अब चलो यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। वैसे भी अभी अभी तो मुझे अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी मिली है, वैसे भी कुछ लोग चाहते थे मुझे मेरी पोजीशन से हटाना तो मैं खुद ही हट गया।
अब चलो तुम भी सामने से हट जाओ, क्यों मेरे सर पर ऐसे मत पट रहा हो, मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी। लेंस थोड़ा गुस्से में उसके ब्लैंकेट को पकड़ कर खींचता है और कहता है, कह तो ऐसे रहे हो जैसे सच में सो गए, इवनिंग के समय आज तक अभी आप सोए हो। विंग इसके जवाब में कहता है, अरे मैं बीमार हूँ ना, तुम मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ रहे हो, जाओ ना यहाँ से। लेंस कहता है, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी नौटंकी में कोई और फंस सकता है मगर मैं नहीं, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। विंग उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों यहाँ वापस हो। ये सुनने के बाद लेंस थोड़ा रुक जाता है और एक फोर्स लेकर कहता है, क्या आप मुझे दोगे जो मैं चाहता हूँ। विंग कहता है, डोंट टेल मी, अगर तुम्हारे दिमाग में मेरे साथ कुछ भी करने का ख्याल है तो। लेंस थोड़ा मायूस तो हो जाता है मगर वो कहता है, मैं आज रात यहीं सोऊंगा। विंग चिल्लाते हैं, नो वेस्ट, गेट लॉस, मगर लेंस तो बेड में जम कर देता है और उसे हक करके लेट जाता है। विंग उसे मारना शुरू कर देता है मगर इसके बावजूद लेंस उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। विंग फिर हार मान लेता है, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था लेंस उसके पास रुके और वो उसे बहुत ज़्यादा नाराज था। पहले उसने उसे इग्नोर किया और उसे पहले से भी निकाल दिया और अब देखो फेविकोल की तरह उसे चिपकने की ट्राई कर रहा है, तो विंग भला उस पर क्यों गुस्सा ना करे। इसलिए वो नहीं चाह रहा था लेंस के करीब आए, वो बहुत ज़्यादा नाराज था मगर लेंस ढीठ है। विंग उसकी चीज़ को बुरी तरह से खींचता है फिर उसके पे थप्पड़ भी लगाता है। तब लेंस अपनी पकड़ उसकी कमर पर और भी मजबूत कर लेता है मगर वो एक आवाज़ भी नहीं करता। विंग थोड़ा सा उसे प्यार आ जाता है फिर लेंस सोते वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, वो उसके हल्के हाथों से उसके बालों उसके गालों को सहलाने लगा था, वो उसकी सेंटर वुंड फ्रेग्रेंस में खोने लगा था और ये सीन यही कट हो जाता है। अब यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, मॉर्निंग कोर्ट में सभी बातें कर रहे थे और ये बातें वांग लिन चाओ के बारे में थी। अब हमने पता है वांग लिन चाओ को सही जिम्मेदारी दी गई थी मगर उसे तो कुछ आता ही नहीं था, तो वो कैसे संभालती, उसने तो वहाँ की पूरी इकोनॉमी ही हिला डाली थी जिसकी वजह से मंदी परेशान होकर लेंस के पास आ गए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। लेंस तब उन सबसे कहता है, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ। मंत्री तब उसे कहते हैं, अब बस महारानी को कहो वो सारी चीज़ें अपने हाथों में ले लें। इस पर लेंस कहता है, फिर तो आप गलत जगह आए हो, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आपको उनके पास जाना होगा क्योंकि उन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया है और मुझे नहीं लगता वो दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे। तभी एक मंत्री कहता है, आखिर वो ऐसे कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हैं। लेंस तब कहता है, क्या आप सब नहीं चाहते थे वो अपनी पोजीशन से हट जाए, तो फिर आप मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं। तभी एक मंत्री कहता है, मगर किंग आप उनसे कहेंगे तो वो दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। इस पर लेंस कहता है, आपको क्या लगता है मैंने उनसे बात नहीं की, सिचुएशन को देखते हुए मैंने उनसे कहा वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए मगर उन्होंने साफ मना कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी जल्दी कोई काबिल इंसान मिल भी नहीं सकता। मंत्री भी इस बारे में आपस में ही बात करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं उन्हें क्वीन को मनाना होगा। दूसरी तरफ हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जो मस्त अपनी चाय की चुस्की लगा रहा था और उसे अच्छे से पता था उसके यहाँ जल्दी मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो कोठरी से बाहर बैठा हुआ था और वहाँ की व्यू का मजे ले रहा था। जल्दी वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनका विंग को बहुत बेसब्री का इंतजार था। वो सभी कहते हैं, ग्रेटिट्यूड क्वीन। विंग ऐसे एक्सप्रेशन में रहता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, बहुत शौक है उन सबको यहाँ देखकर, पर अंदर ही अंदर वो हंस रहा था। अब उन्हें रियलाइज हुआ उसकी वैल्यू का। वो सभी विंग को वापस से उनकी पोजीशन पर आने के लिए कहते हैं मगर विंग साफ मना कर देता है, ये कहकर अब उसकी जरा से भी काम करने की कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी उसके काम की तो कोई कदर ही नहीं करता और वो बस अभी एक शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाह रहा है और उन्हें जाने को कह देता है और ये सीन यहीं कट होता है। अब विंग तो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था और वांग नहीं जाओ वो उठा नहीं सकती थी, इसलिए लेंस को ही सारा काम करना पड़ता है। अब सारी कमान उसके हाथों में थी मगर वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, उसे तो खुद के लिए भी टाइम नहीं था, उसके काम बढ़ गए थे। वो सीधा विंग के पास जाता है और इससे रिक्वेस्ट करता है वो वापस से अपनी पोजीशन संभाल ले, मगर विंग तो तब भी मना कर रहा था। लेंस कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं आता, देखो तुम्हारे हस्बैंड को आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, पूरा पांडा बन चुका हूँ।
कि आपका इन सब से मन नहीं भर रहा है। पिंक हंसने लगता है और कहता है, ओ बेबी पालना कितना ज़्यादा अडोरेबल है। और वो नैन्सी की चीज को पकड़ कर उन्हें पुल करने लगता है। नैन्सी उसके हाथ को हटाता है और उसे कहता है, आप मजे ले लो। विंग तो बस हंस रहा था। नैन्सी तब कहता है, अब इन सारी कमांड को संभालने के बदले क्या चाहते हो? इस पर विंग कहता है, मेरे पास एक ही शर्त है, वंगली चॉकलेट टूटर ढूंढो जो उसे स्टडी में हेल्प करे, उसे अपनी एजुकेशन अच्छे से करनी होगी। नैन्सी तुरंत ही राजी हो जाता है और पंग डेंचाओ की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो ये मेंटल टॉर्चर था। इतनी सारी स्टडी, इतनी सारी किताबें वो देखकर चक्कर खा ली थी। उसके दिन अब किताबों में बीत रहे थे जो कि वो पढ़ना नहीं चाहती थी। अब वी ने अपनी पावर को वापस से गेन कर लिया था, तो अपनी पावर पर आते हुए सबसे पहले तो वो उन्हें पनिश करता है जो मौका मिलते ही अपना खेल शुरू कर देते हैं। टिक्स की चोरी करना, तो वो उन्हें पनिश करता है और वो बाकी चीज़ों को स्टेप पर करने की ट्राई करता है। वैसे तो नैन्सी ने कुछ मामले को निपटा दिया था, तो विंग को स्टेप पर करने में कोई भी देरी नहीं लगती। अब आगे देखते हैं, वांग लिनचाओ अपने स्टडी से परेशान हो चुकी थी। वो उसके हर पर बचने के बहाने ढूंढी थी, मगर उसके बहाने कहाँ काम आते हैं। पर उसे एक बार मौका मिल जाता है, वो अपने ट्यूटर से बच कर भाग जाती है और वो बस पैलेस में इधर से उधर भटक रही थी। पर उसकी फूटी किस्मत और जा करके इससे टकराती है विभू सियान से। तब विंग उसे ताने कसता है, क्या तुमने संभल कर चलना नहीं सीखा क्या? हमेशा कहते हैं वो मुझे मिलती हो। वांग नीचा उसे देख कर ही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। विंग उसे कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारे लेसन का समय है ना? वांग नीचा अपनी लो वॉइस में कहती है, मेरा लेसन सीखने का कोई मन नहीं था और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता है। विंग उसे कहता है, समझने की कोशिश नहीं करोगे तो आएगा कैसे? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, वैसे तुम्हारे ट्यूटर या जल्दी आते होंगे। पंगडी जब तक कहती है, नहीं प्लीज़ मुझे बचा लीजिए महारानी, मुझे माफ़ कर दियो, मैंने जो भी कुछ किया मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो अपनी नींद पर आ जाती है और विभूषण से रिक्वेस्ट कर रही होती है, बस उसे एक बार माफ़ कर दो, वो इस मेंटल टॉर्चर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। विंग स्मक करता है, हर बार तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, बस कुछ शब्द ही इंसान को चीरने के लिए काफ़ी होते हैं। और इस वांग निंजा को निपटाने के लिए उसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो डरपोक है, इसे अगर थोड़ा सा कुछ बोल दो तो ये तो रोने लग जाएगी। ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, बस सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है। वो वांग निंजा को खड़े होने को कहता है और अपने पीछे चलने को कहता है। वांग निंजा भी उसे फॉलो करने लगती है। विंग उसे अपने कॉटेज ले आता है। उसके हिसाब से वांग लेचाओ एक ना समझ से ओमेगा है, उसे ज़्यादा समझ नहीं है आखिर वो है कितनी साल की, 21। तो छोटी बहन समझकर वो उसकी गलती को इग्नोर करने के बारे में सोच रहा था। अब विभूषण ऊपर से भरी की तरह सख्त बन जाए, पर अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत जल्दी ही पिघल जाता है। और वैसे उसे वांग लेचाओ के डार्क साइड के बारे में जानना था, तो उसके लिए तो उसे बात करना तो होगा, इसलिए वो उसे अपनी कॉटेज ले आया था। और यहाँ इस पार्ट का एंड होता है। आई नो पार्ट छोटा है, मगर क्या कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन अपलोड होगा। तब तक के लिए गुड बाय।